नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खबरें सुपर फास्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। अशी पुलिस थाना हद में आने वाले बालाजी नगर परिसर में की गई कार्रवाई से बचने के लिए एक अपराधी ने जमकर उत्पात मचाया। पहले तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस के साथ हाथापाई की, बाद में उसके परिजन भी पुलिस को फंसाने के लिए कपड़े फाड़ने लगे, जिसे देखते हुए अतिरिक्त स्टाफ को बुलाकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। विदर्भ होटल कामगार संगठन की ओर से संविधान चौक पर सोमवार को आंदोलन किया गया। होटल चालक और कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन की मांग इस दौरान की गई। मंगलवार तालाब की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से सोमवार को साई मंदिर नए मंगलवारी यह आम आदमी पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सोमवार को अजय साधनी महानिरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल मध्य रेल मुंबई द्वारा नागपुर मंडल का वार्षिक निरीक्षण दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान सबसे पहले आरपीएफ रिजर्व कंपनी अजनी उपस्थित होकर कोस्ट गार्ड का निरीक्षण किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। चंदन नगर के बास्केटबॉल ग्राउंड में जहां पहले खिलाड़ी खेलने और प्रैक्टिस करने आते थे, पर्याय हुए वृक्षारोपण के बाद मानो यहां की हवा बदल गई है। अब बास्केटबॉल के मैचों की जगह शराब और सिगरेट ने ली है। यहां अय्याशिया होती है, देर रात तक महफिलें सजती है। शहर के बाजारों को नियमित रूप से शुरू करने की मांग को लेकर शहर के सभी व्यापारियों द्वारा बनाए गए वाणिज्य संघर्ष समिति की ओर से कल संविधान चौक पर आंदोलन किया गया और आज एक बाइक रैली निकालकर सरकार से मांग की गई कि कोरोना संक्रमण कम हुआ है, जिसके चलते बाजार खोलने की अनुमति व्यापारियों को दी जाए। खबरें सुपर फास्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।